तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। देख सकते हैं आज हम लगाएंगे किचन के अंदर काउंटर नल, लगाएंगे प्लेटफॉर्म पे। तो देख सकते हैं इसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों का ऑप्शन है, तो इसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों मिक्स होकर आएगा। इसकी ये बढ़िया खासियत है कि ये बढ़िया ब्रास का बना हुआ है पूरा। तो देख सकते हैं अब हम लगाना चालू करेंगे। तो पहले हमने किचन की प्लेटफॉर्म पे मार्किंग कर ली है सेंटर में, और मार्किंग करने के बाद अब हम व्हील से होल करेंगे इसके अंदर। देख सकते हैं तो ये हमने कोर बिट लगा रखा है 1 इंची का, तो इससे हम होल कर लेंगे पहले। तो ग्रेनाइट लगा रखा है किचन में, इसलिए टाइम लगता है। देख सकते हैं वर्मा हमारा गर्म हो चुका है, तो आराम आराम से ही होल करेंगे। तो अब होल कर रहे हैं, तो होल हो चुका है। इतना बड़ा लंबा वर्मा नहीं है, इसलिए हम ड्रिल मशीन से नीचे का होल कर लेंगे। आराम आराम से इसको गोल कर लेंगे। देख सकते हैं हमने ड्रिल मशीन से होल कर लिया है। अब हम इसके अंदर ग्राइंडर से इसको एकदम गोल कटिंग कर लेंगे। तो ग्राइंडर से देख सकते हैं गोल कटिंग कर देंगे एकदम, ताकि हमारा जो नल का फ्लेंज है वो सीधा नीचे होल में निकल जाए, और इससे हम इसका नीचे का नट आता है उसको कस दें, ताकि नल हमारा एकदम परफेक्ट टाइट हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा हो चुका है सब चीज। अब हम इसमें होल से नलियां नीचे निकाल देंगे और नल को लगा देंगे। तो इसमें हम एक चीज़ भूल गए थे, रबर का वाइसर नीचे लगता था, हमको ध्यान नहीं रहा, इसलिए हमने रबर का वाइसर पहले डाल दिया। तो ये मिस्टेक हो चुकी थी, इसलिए हमने वापस इसको निकाला। तो कोई भी नया हो तो ये वाइसर नीचे लगेगा, जैसे नट के ऊपर लगेगा ये वाइसर, तब नल लगेगा। तो अब हम इसका देख सकते हैं नट कस लेंगे नीचे से। तो अब हम इसका नट कस लेंगे नीचे से। तो पहले नट को हम इसके अंदर पीवीसी कनेक्शन के अंदर डाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमने नट को टाइट कर लिया है, और हमारा नल एकदम परफेक्ट टाइट हो चुका है। अब हम इसका देख सकते हैं प्रेशर बताएंगे आपको कितना, बहुत बढ़िया प्रेशर आ रहा था इसका, तो बहुत बढ़िया इसका रेस्पॉन्स है। इसमें गर्म ठंडा दोनों पानी आ रहा है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।